हेलो दोस्तों, मैं शीशादा टेज गार्डन रिवर्स बोल रही हूँ। दोस्तों आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए ये देसी मॉसरोज की फ्लावर है, ये मिट्टी में लगा हुआ है। ये देखिए इसकी भी ग्रोथ अच्छी है। बस इसमें मैंने एक शुरू में बनाया था गोबर की खाद वगैरह का, जैसे मैं मिट्टी बनाती हूँ वो मिट्टी बनाई थी। दूसरी बार मैंने थोड़ा सा सीवेड और उसी के और थोड़ा सा एक दो चम्मच गोबर और थोड़ा सा पोटास उसका लिक्विड बना के इसमें मैंने डाला था। बस दो ही बार डाला और अभी कुछ भी नहीं डाला। तो इसमें भी आए हैं फ्लावर, डेली आते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। और ये बट भी देखिए कितने सारे बने हैं, ये कलियाँ कितनी ढेर सारी कलियाँ बनी हैं। और ये ग्रोथ भी हुई है, ये देखिए ये नए ब्रांच निकली हैं, अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। इधर मैंने इसकी गठान लगा दी थी, गिर रहा था, इसकी खोल देंगे तो ये घना हो जाएगा। अभी मैंने खोला नहीं है, ये इधर से धागा बंधा हुआ है। मैंने इसको बनाया था ये खड़ा रहे, लेकिन लकड़ी सही ना होने के कारण ये खड़ा नहीं रह पाया। अब ये खोल देंगे तो ये फैल जाएगा। ये देखिए इसकी नई नई ग्रोथ हुई है, ये देखिए ये। तो दोस्तों मिट्टी में तो पौधे का ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है ये, और अच्छी ग्रोथ करता है और फ्लावर भी अच्छा करता है, कलियाँ भी अच्छी आती है। हमारी मिट्टी अच्छी बनी है। और बरसात में थोड़ा ये ध्यान रखें कि सैंडी सॉइल बनाए, क्योंकि हम लोग बाहर रखते हैं, जिसके पास अंदर रखने की व्यवस्था है तो नॉर्मल मिट्टी में भी तैयार हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा पानी ज़्यादा ना दें, पानी ज़्यादा देने पर ये गल जाता है। और बाहर अगर रखना है तो सैंडी सॉइल बनाए, क्योंकि और बेल्ट ये ड्रेनेज होल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो लगातार बारिश कभी कभी होती है हमारे यहाँ, तो पानी रुके ना मिट्टी में, और पानी रुकेगा तो ये पौधे खराब हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो दोस्तों इसमें तो ग्रोथ अच्छी है ही मिट्टी वाले में। देखिए हमने ये पानी में लगाया था, आप वीडियो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। और ये पानी में 3 दिन बाद हल्की हल्की इसकी जड़ें निकल जाती हैं। ये तो 20 से 25 दिन का हो गया, इतनी सारी जड़ें बन गई हैं। देखिए यहाँ से भी पानी के अंदर भी ये देखिए ये पौधा तैयार हो गया है जड़ों में। वैसे कहते हैं कि पानी में पौधा गल जाता है, लेकिन चाहे मनी प्लांट का हो चाहे इसका हो और किसी भी चीज़ का, और देखिए पानी में ही गल नहीं रहा, पौधा तैयार हो रहा। कुछ समझ में भी नहीं आता कभी कभी हमें। और देखिए हमने इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला। ये देखिए इसके बड़े बड़े फ्लावर, इस मिट्टी की अपेक्षा इससे भी बड़े फ्लावर हैं। इसमें भी मिट्टी में बहुत बड़े होते हैं, इसमें क्यों नहीं हो रहा कि ये पौधा बहुत घना हो गया है, पॉट हमारा बहुत छोटा पड़ रहा है। अब इसको मैं क्या करूँगी, ये पूरा ये निकाल लूँगी, इसको 3-4 पॉट में मैं लगाऊँगी थोड़ा थोड़ा करके, और इधर से कट कर दूँगी चारों तरफ से छोटा, तो एक ब्रांच से कई सारी ब्रांच निकल आएगी। तो इसको पूरा निकाल के हम 4 पॉट में करेंगे, तब जाके ये अच्छा ग्रोथ करेगा। अभी ये ग्रोथ नहीं कर रहा घना होने के कारण, स्पेस नहीं मिल रहा, ना इसके बट बड़े हैं और ना ही इसकी कलियाँ बड़ी हैं, और इसको अभी स्पेस मिल रहा है। ये देखिए इसमें मैंने 4-5 ही ब्रांच, 5 से 6 ब्रांच लगाए थे, तो देखिए कैसे ग्रोथ कर रहा है दोस्तों। तो देखिए वैसे पानी में ये पौधा गल जाता है, और हमने डायरेक्ट पानी में लगाया है, तो इसकी ग्रोथ देखिए और इसकी कलियाँ देखिए और इसके फ्लावर देखिए ये। और बस सप्ताह में मैं पानी को बदल देती हूँ, इस समय मैं 10 दिन से नहीं बदली। हाँ ये वर्षा का पानी पड़ता रहता है, लगातार 3-4 दिन बारिश हुई है, अपने आप से ज़्यादा पानी हो जाता होगा, गिर जाता है, और बाकी ये बारिश का पानी। तो बारिश के पानी में वैसे ही न्यूट्रिएंट्स होता है, अच्छा नाइट्रोजन होता है, कई सारे मिनरल्स होते हैं, तो जो एक फर्टिलाइजर है अपने आप में, इसीलिए इसकी ग्रोथ अच्छी है। ये पत्तियों में ये पेंट करते समय लग गया था तो है। और इसी तरह ये देखिए ये भी पानी में लगा हुआ है, ये देखिए ये तो 1 माह से लगभग ऊपर हो गया, इसके में काई भी आ गई है, इसकी भी पानी बदल देती हूँ, मैंने कोई फर्टिलाइजर नहीं दिया। और इसके देखिए फ्लावर ये आपके सामने ही है, और ये गुच्छों में कलियाँ हैं, कल तो ये गुच्छे के निकलेंगे, ये कभी कभी ये गुच्छों के रूप में निकलता है, ये देखिए कलियाँ से भरा पड़ा है, क्योंकि अब इसको स्पेस भी मिल रहा है और वर्षा का पानी मिल गया है मीठा, जो वर्षा का पानी में मिनरल्स का साथ मीठा होता है, जो पौधे खुश होते हैं और हमको ढेर सारा फ्लावर देते हैं, कि मीठा पानी तो सबको अच्छा लगता है। और बोर के पानी से सिंचाई करो तो खारा रहता है, हमारे यहाँ तो बोर का ही पानी खारा है, तो एक तो मीठा पानी रहता है, दूसरा इसमें कई सारे पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन होता है, तो कोई फर्टिलाइजर देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसी तरह ये ग्रोथ करते हैं दोस्तों। तो मिट्टी के अलावा पानी में भी हम अपने मॉसरोज को लगा सकते हैं, चाहे वो देसी हो चाहे हाइब्रिड का। और देखिए
इसकी ग्रोथ देखिए आप, बिना फर्टिलाइजर के पानी में कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है ये देखिए। तो दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर प्लीज़।